This is Sparta! हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडलस्केप। मैं हूं आपकी दोस्त स्लैश होस्ट एलिना सिंह। वैसे पता है, ये सेम लाइन मैंने पिछली वीडियो में भी मारी थी, तो मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए कि आपका नाम बड़ा यूनिक सा है, इसका मीनिंग एंड ओरिजिन कहाँ का है। तो मैंने बताया कि एलिना नाम डिराइव हुआ है हेलेन से, जो ग्रीस में स्पार्टा की क्वीन थी एंड अपने टाइम की मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन मानी जाती थी। अरे, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट है। हेलेन के पीछे ही तो ट्रोजन वॉर हुई थी। क्या ट्रोजन वॉर के बारे में नहीं जानते? लो भाई, चलो अच्छी बात है, आज का टॉपिक मिल गया। तो चलिए, बात जुबान पे आ ही गई है, तो देखते हैं टॉप 5 ग्रीक वॉर्स, देयर स्टोरीज बिहाइंड, प्लेसेस एसोसिएटेड, गॉड्स, हिस्टोरिक फिगर्स इन्वॉल्वड एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले, आपके फेवरेट ग्रीक गॉड की कसम, सब्सक्राइब करना तो बनता है, जल्दी जाके करो। चलो, फर्स्ट है ट्रोजन वॉर, 1194 से लेके 1184 BCE। ये वो वॉर थी जिसमें ग्रीक गॉड्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। कहते हैं एफ्रोडाइट ने ट्रॉय, जो कि प्रेजेंटली टर्की में है, वहां के राजा के बेटे पैरिस को प्रॉमिस किया था कि उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मिलेगी। हेलेन को उस टाइम सबसे खूबसूरत माना जाता था, जो कि उस टाइम पे मेनेलेस की बीवी थी और स्पार्टा की महारानी थी। पेरिस मेनेलेस के एब्सेंस में हेलेन को स्पार्टा से ट्रॉय लेके चला गया था, जिसकी वजह से 10 साल तक ग्रीस और ट्रॉय के बीच ये लड़ाई चलती रही। एंड में हालांकि ये लड़ाई ग्रीस ने जीती। कैसे? एक लार्ज वुडन हॉर्स में अपने सोल्जर्स छुपा के ट्रॉय भेजा गया था। ट्रॉय के लोगों को लगा कि वुडन हॉर्स एक पीस ऑफरिंग है, तो उन्होंने उसे अपनी सिटी में वेलकम किया। एंड देन ग्रीस के सोल्जर्स ने बाहर निकल के उनको हरा दिया। इस पूरे इवेंट पे ब्रैड पिट की फेमस मूवी ट्रॉय भी बनी है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। दूसरा है ग्रेको पर्शियन वॉर्स, 499 से लेके 449 BCE। ये वॉर हुई थी ताकि पर्शियंस को ग्रीस पे कब्जा करने से रोका जा सके। इसको रोकने में मेजरली एथेंस सिटी का बड़ा हाथ था। पर्शियंस की बदला लेने की चाह ने इस लड़ाई को और गंभीर कर दिया था। ग्रीक फिगर्स जैसे कि थेमिस्टोक्लीज एंड लियोनिडस ने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ पर्शियन इन्वेजन को रोका कई बैटल्स में, जैसे कि बैटल ऑफ मैराथन, बैटल ऑफ थर्मोपिली एंड बैटल ऑफ सलामिस। इन वॉर्स के ऊपर दो एपिक मूवीज बनी हैं, द 300 स्पार्टन्स एंड 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। ये वॉर ग्रीक्स ने जीती एंड इसी के चलते एथेंस सिटी का गोल्डन एज पीरियड स्टार्ट हुआ था। बट अगर पर्शियंस का इन्वेजन हो जाता, तो ग्रीक कल्चर एंड सोसाइटी आज हमें वैसी देखने को नहीं मिलती, जैसी आज हमें देखने को मिलती है। थर्ड है पेलोपोनेशियन वॉर, 431 से लेके 404 BCE। ये वॉर तो ग्रीक स्टेट्स के बीच ही हुई थी, दैट इज स्पार्टा एंड एथेंस। पेलोपोनेशियन पेनिनसुला एंड द एजियन सी पे होने वाली इस वॉर की वजह से ग्रीक सिटी स्टेट्स इतनी वीक हो गई थी कि फॉरेन इन्वेडर्स एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस के लिए इसने एक इजी रास्ता बना दिया था। हालांकि इस वॉर को स्पार्टा ने जीता था एंड ये सजेस्ट किया गया था कि एथेंस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके वहां के लोगों को स्लेव बना लिया जाए, बट ये करने से स्पार्टन्स ने इनकार कर दिया, क्योंकि ग्रीस के बुरे वक्त में एथेंस ने अपनी अच्छी सर्विस देके अपनी लॉयल्टी साबित करी थी ग्रीस के लिए, एंड इसलिए स्पार्टन्स ने एथेंस को अपने अंडर ले लिया। इस वॉर का भी जिक्र मूवी 300 में हुआ है। फोर्थ है मैसेडोनियन वॉर्स, 214 से लेके 148 BCE तक। ये वॉर हुई थी मैसेडोनियन किंगडम और कई ग्रीस सिटी स्टेट्स के बीच में, क्योंकि ये सारे सिटी स्टेट्स इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। कुल मिलाके 4 मैसेडोनियन वॉर्स हुई थी और ये वॉर्स पूरे ग्रीस में चली थी एंड मेजरली साइनोसेफेलाई एंड पिडना के एरियाज में। मैसेडोनियन किंगडम फिलिप टू एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे हिस्टोरिक फिगर्स के कंट्रोल में था, बट इवेंचुअली रोमन्स की जीत हुई इस लड़ाई में। अलेक्जेंडर एंड मैसेडोनिया के ऊपर कोई मूवी सजेस्ट करूं, तो 2004 की अलेक्जेंडर मूवी एक वर्थ इट हिस्टोरिक वॉच होगी आपके लिए। एंड लास्टली देयर इज अकियन वॉर, 146 BCE।
इस वॉर में अगेन ग्रीक सिटी स्टेट्स ने मिलकर अकियन लीग नाम का एक संगम बनाया था एंड हल्ला बोला था रोमन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल के खिलाफ। ये लड़ाई भी पेलोपोनेशियन पेनिनसुला के रीजन में ही हुई थी। बैटल ऑफ कोरिंथ में रोमन रिपब्लिक ने इस लीग को हरा के ग्रीस को वापस से रोमन रिपब्लिक के कंट्रोल के अंडर ला खड़ा किया था। इसी से ग्रीक इंडिपेंडेंस की समाप्ति और रोमन एरा की बिगनिंग स्थापित हुई थी। तो ये थी 5 ऐसी ग्रीक वॉर्स जिसने ग्रीस की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर सब उथल पुथल कर दिया था। ग्लोरी, ट्रेजेडी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, डेमोक्रेसी से भरा ये ग्रीक वॉर्स का सफर तो यहाँ खत्म होता है, पर ग्रीक स्टोरीज का बिल्कुल नहीं यार। ऐसी कई सारी ग्रीक स्टोरीज, प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हम करेंगे प्रेजेंट आपके सामने आने वाली कई सारी वीडियोस में। अभी तो ग्रीक कल्चर, ग्रीक गॉड्स, ग्रीक डेलिकेसीज, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने को, तो हम बस यहाँ तक कैसे रुक जाएं? कहा था ना आपको, सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपको यही होगा कैंडिडस्केप के साथ। बस ऑल यू नीड टू डू इज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू। ऑल्सो बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना, वरना हमारे नोटिफिकेशंस आप तक कैसे पहुंचेंगे। चलो तो आई विल गो एंड वॉच हेलेन ऑफ ट्रॉय ऑन नेटफ्लिक्स। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड डोंट ट्रबल योर मदर। हाँ हाँ ठीक है, पता है सलमान खान से कॉपी क्या है, पॉइंट आउट मत करो यार। Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did.